शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं नायक विशाल छेत्री, 3rd बटालियन D9 गोरखा राइफल चिंडिक 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल को यहाँ बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग दराज सेक्टर में ही लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठी थी, जिनके नाम इस प्रकार है। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 3 पिंपल दिखाई देते हैं जो अभी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 नोकीली चोटियां दिखाई देती है। दाहिने वाली नोकीली चोटी जो भी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रही है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर, उसी स्पर पर दूसरी नोकीली चोटी जो हल्की बर्फ से घिरी हुई है, नाम राइनोहॉर्न। टाइगर हिल और राइनोहॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट है जो यहाँ से दिखाई नहीं देते, जिनके नाम इस प्रकार है, इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉप। वापस राइनोहॉर्न। राइनोहॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, नाम 0.4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहां दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह थे कि शिमला समझौते के तहत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाएं LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों की सेनाओं को यहां रहने में काफी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के मामले में यह स्थान विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम स्थान पर माना गया है। 9 जनवरी 1995 में यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई, तो धोखे से पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 99 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्टों पर गई, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड तकरीबन ऐसी 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया कैप्चर किया हुआ था। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाया जाता है। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। 18 ग्रेनेडियर बटालियन द्वारा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, परंतु दुश्मन की अच्छी पोजीशन और प्रभावित फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सका। काफी दिनों के संघर्ष के बाद बटालियन अपना फॉर्म बेस बनाने में सफल रही। 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 20 मई से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा तोलोलिंग पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 4 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तोलोलिंग पर अपना कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गया, क्योंकि वहां बैठा दुश्मन डायरेक्ट NH1 पर प्रभावित फायर डाल रहा था, जिससे हमारी सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफी मुश्किलें हो रही थी। टाइगर हिल पर कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान
तीनों दिशाओं से हमला किया और दोबारा टाइगर हिल पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के एक ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 120 जवान घायल हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को 0.4875 पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया और उसी के दूसरे फीचर पिंपल 1, पिंपल 2 और बेलबेक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विनबम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। तीनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान चारों दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा तीनों पोस्टों को अपने कब्जे में किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं की बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान जिन जिन बटालियनों ने हिस्सा लिया उन सभी बटालियनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर दर्ज है। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। आप लोगों के भाई 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी शहीद हुए उन सभी शहीदों की वीर भूमि तैयार की गई है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने हट ऑफ रिमेम्बरेंस बटालियनों की हिस्ट्री है, जिन बटालियनों ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया था, ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ और पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर किए गए हथियार, अम्यूनिशन, इक्विपमेंट जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर कारगिल युद्ध के सभी शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज किए गए हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग, पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37x25 फीट, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन शहीदों के बलिदान को हम किन्हीं भी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत है वे लोग जिनका लहू देश के काम आता है। जय हिंद।